भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि हत्याकांड मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई है। इस हत्याकांड को लेकर वाल्मीकि समाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में रोष व्याप्त है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता डाक बंगले से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भीड़ को देखकर कलेक्ट्री के गेट को बंद करना पड़ा। इस दौरान सभी ने उग्र प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्री चौराहे पर सरकार का पुतला जलाते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल का कहना है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है और दलित व महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं सरकार आम जनता से संवाद भी नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध भी दर्ज कराया है। पिछले गत दिनों में जो झालावाड़ के अंदर हत्याकांड हुआ है, जिसके अंदर वाल्मीकि समाज के जो बंधु है, जो लड़का है हमारा हिंदू भाई, उसकी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हत्या कर दी गई है और उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया सरकार के द्वारा, तो आज युवा मोर्चा अजमेर ने इसी चीज़ को लेके कलेक्ट्री के ऊपर ज्ञापन दिया है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले और साथ में उनके परिवार के अंदर किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये सामाजिक रूप, ये एक छोटी सी झांकी है जो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा दिखाई गई है। अगर आगे फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो युवा मोर्चा एक उग्र आंदोलन करेगा और फिर प्रशासन को जगाएगा। जो कि आप देख रहे हो कि जो कांग्रेस सरकार है, जो मुख्यमंत्री वो 2-2 महीने तक अपने घर के अंदर क्वारंटाइन हो रखे हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जो केवल अपनी सरकार बचाने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसी सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ का जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा दी जाए जल्द से जल्द। ये युवा मोर्चा का निवेदन है। अगर जो सरकार है वो इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, कोई भी इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, तो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा उग्र आंदोलन कराया जाएगा आने वाले समय के अंदर और ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो जयपुर कलेक्ट्री के अंदर आपने देखा, जो प्रदेश युवा मोर्चा ने जो वहाँ पर आंदोलन करा था, तो सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई एक बहुत ही गलत छवि दर्शाती है कांग्रेस सरकार की, तो इस चीज़ को लेकर भी आज आंदोलन था और आगे भी वाल्मीकि समाज के लिए और हर समाज के लिए युवा मोर्चा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मुख्यमंत्री जो है अशोक जी गहलोत, उनका पुतला जलाएगा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।